मुझे, अति सुंदर मृग है। मुझे ये मृग ला दो ना प्रभु। क्या करोगे मृग का? इतने दिन वन में रहकर बहने कहेंगी हमारे लिए क्या लाई हो, तो क्या दूंगी मैं उन्हें। इस विचित्र मृग को देखकर कितना सुख मिलेगा उनको। ला दीजिए ना मुझे वो मृग। यदि मृग को जीवित न पकड़ पाए? इसका चर्म ही ले लूंगी, प्रभु को उस पर बिठा कर पूजा किया करूंगी। अच्छा, अग्रज उसके पीछे ना जाइए, ये साधारण मृग नहीं हो सकता, माया मृग लगता है मुझे तो। अनुज, तेरी भाभी ने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज एक छोटी सी इच्छा है उसकी, क्या उसे भी पूरा ना करूं? लक्ष्मण, ये भयंकर प्रांत है, कब कैसी विपत्ति आन पड़े कुछ पता नहीं, किसी परिस्थिति में भी सीता को वन में अकेली मत छोड़ना, इसे तुम मेरी आज्ञा समझना। अच्छा भैया। स्वामी, छोड़ने की मुझे भैया ने आज्ञा दी थी। अग्रज की आप कोई चिंता मत कीजिए, इस परिस्थिति में मेरे यहाँ से जाने से विपत्ति आ सकती है आप पर, दास को क्षमा कीजिए। लक्ष्मण, आज उनके पुकारने पर तेरा अनुरागी हृदय क्यों इतना कठोर पाषाण बन गया अब समझी मैं। अरे धूस, तुझे उनके दूर होने की प्रतीक्षा थी, यदि स्वामी न रहे तो मैं अग्नि की आहुति हो जाऊंगी, तू छू नहीं सकेगा इस तन को। माँ, इतना बड़ा आक्षेप जननी, मैं जाता हूं, यवन देवता आपकी रक्षा करें। इस रेखा को देख रही है जननी, किसी स्थिति में इस लक्ष्मण रेखा को ना लांघना। चलता हूं।